तो रिया कहती है कि बचपन से वो ऐसे माहौल में पली बड़ी हुई थी कि जहाँ पे उसको हमेशा सातवें आसमान पे बिठाया रखा जाता था, तो जिसकी वजह से वो किसी की भी कभी कदर वैल्यू नहीं करती थी, हमेशा डोमिनेटिंग बनी रही। इसके वजह से ना तो उसके ज़्यादा फ्रेंड्स थे, जब कॉलेज में गई तब भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बने, और फिर बॉयफ्रेंड भी उसका एक या दो महीने से ज़्यादा किसी के साथ उसका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा, और इस वजह से वो बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो हमेशा चाहती थी कि उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे वो दिल से उसको चाहे, दिल से उससे प्यार करे, और हमेशा मतलब उसको ऐसा लगे कि ये वही इंसान है जिसके लिए वो ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। ऐसा लड़का शायद उसको अभी तक नहीं मिला था, लेकिन एक दिन जब वो जॉब से घर जा रही थी तो उसको एक लड़का ऐसा दिख गया जिसे देख के उसको दिल में मतलब भावनाएं जाग गई कि यस ये वही लड़का है और इसी के साथ मैं ज़िंदगी भर रहना चाहती हूँ। ना तो वो उसको जानती थी और कुछ भी नहीं, लेकिन बस वो उसको पाना चाहती थी। और तब उसने धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना स्टार्ट किया और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ज़रिए उसने उस इंसान को अपने लाइफ में हासिल कर लिया। और हमेशा की तरह जैसे कि दो महीने से ज़्यादा कोई भी उसके पास नहीं टिक सकता था, तो इन दोनों में भी फिर से झगड़े हो गए और फिर वो भी इसको छोड़ के चला गया, दोनों में ब्रेकअप हो गया। लेकिन ये अब इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। वो हर रोज़ उसके मैसेज का इंतज़ार करती थी, अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई करती थी, लेकिन फिर भी उसका मैसेज या कॉल कुछ भी नहीं आता था। अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, जॉब करने की इच्छा नहीं रही, घर में उसने अपने आप को बंद कर लिया और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसका यकीन उठ गया उसके ऊपर से। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने फिर से अपने आप में उम्मीद जगा ली और फिर से अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो सीक्रेट वो आगे पढ़ती गई, तब उसे पता चला कि अगर हमको कोई इंसान अपनी लाइफ में चाहिए तो हम उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसे हासिल करने के लिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो खुद को किस तरह से चेंज करना है वो सब कुछ सीखा उसने, अपने आप में चेंजेस लाए, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाए, अपना एटीट्यूड कम कर दिया, डोमिनेटिंग जो उसकी आदत थी डोमिनेट करने की उसको वो कम कर दिया, जिसको पाना चाहती थी उसकी अच्छाइयाँ उसने देखना स्टार्ट कर दिया। और जब उसने उसकी अच्छाइयाँ गिनना स्टार्ट कर दिया तो उसको उससे फिर से और ज़्यादा प्यार हो गया, और जब वो उसको कुछ भी बोलता था तो उसको सुनना भी बहुत अच्छा लगने लगा। तो उसको वो सब कुछ याद करने लगी कि किस तरह से वो मुझे कहता था और मैं क्यों उसकी बातें नहीं सुनती थी। इस बात पे वो मतलब उसको अजीब लगने लगा कि ये मुझे अगर मैं ये सुन लेती थी तो फिर ये हमारा कुछ झगड़ा नहीं होता था और वो मेरे लाइफ में भी रहता था। तो मतलब वो दिल से पूरी तरह से उसने उसको माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो जिसके ऊपर गुस्सा थी गलती तो उसी की थी, तो उसके ऊपर गुस्सा करके कुछ भी फ़ायदा नहीं था। तो अपने आप को उसने पहले सामने वाले को माफ़ कर दिया, फिर खुद को माफ़ कर दिया और फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया। उसने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई करी और उसके बाद उसने लेट गो कर दिया, मतलब उसके बारे में ओवरथिंक करना छोड़ दिया और बार बार टेक्निक्स को अप्लाई करना भी छोड़ दिया। वो अपने काम में फोकस करने लगी, जॉब पे जाने लगी, सब कुछ अच्छे से करने लगी। वो काम कर रही थी तो अचानक से उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, और जब वो उठाती है उसका आवाज़ सुनती है तो बहुत खुशी से मारे नाचने लगती है। और सामने से जब वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तो मतलब आप सोच सकते हो कि वो कितनी खुश हो गई होगी। तो इस तरह से वो ज़्यादा खुश हो जाती है और यूनिवर्स को थैंक यू कह देती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे मेरा पार्टनर वापस दे दिया। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने आप को बदल लिया था, और इसी की वजह से उसकी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके पास चली गई और टेलीपैथी के जरिए उसका कॉल आ गया। तो यही होता है, बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिलीव करते हो तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है, जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाता है।